गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपके रिवीजन थ्रू एमसीक्यू का 6th वीडियो है। पिछले 5 वीडियोस में मैंने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक कराया आप लोगों को, और इस क्वेश्चन में इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 81 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको देखें प्लीज। इट सेज टी एफ एंड chi-square डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवैलिड। मतलब इन स्टेटमेंट को देखिए, वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म्स आर अनबायस्ड, इनएफिशिएंट एस्टिमेशन ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट, इट इज द फीचर ऑफ किसका फीचर है? मतलब कि t-test, F-test एंड chi-square ये तीनों के तीनों इनवैलिड है। वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस यानी वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स यहां पे अनबायस्ड, एंड इनएफिशिएंट एस्टिमेशन ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट यानी बीटा 1 बीटा 2 जो आप करते हैं उसका एस्टिमेशन इनएफिशिएंट होता है। ये है क्या किसका फीचर है? क्या ये मल्टीकोलिनेरिटी का फीचर है? क्या ये ऑटोकोरिलेशन का फीचर है? क्या ये हेटरोस्केडास्टिसिटी का फीचर है? या फिर किसी का भी नहीं। बच्चों इसमें मैं यहाँ पे मतलब रिवीजन थ्रू एमसीक्यू में मैं आपको पूरा का पूरा ऑटोकोरिलेशन तो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये फीचर आपके ऑटोकोरिलेशन का है। और कल भी शायद हमने आपको बताया था कि ऑटोकोरिलेशन में क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने जब गॉस मार्कोव थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बताया था, एक एजम्पशन था कि कोवेरियंस बिटवीन ut एंड ut-1 0 होता है ना बच्चों? ये गॉस मार्कोव का एक एजम्पशन है। ऑटोकोरिलेशन कब होता है? जब ये जो कोरिलेशन जो है ये 0 नहीं होता है, यानी एक एरर टर्म दूसरे एरर टर्म्स के साथ कोरिलेटेड होता है, सीरियरली कोरिलेटेड होता है। तो और इन ऑटोकोरिलेशन कोवेरियंस बिटवीन ut एंड ut-1 जो होता है 0 नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको यही बता पाऊंगा, बाकी ये फीचर तो मैंने आपको बता दिया कि कोवेरियंस के केस ऑटोकोरिलेशन के केस में t-test, F-test एंड chi-square डिस्ट्रीब्यूशन सब के सब इनवैलिड हो जाते हैं। इसका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स लेकिन अनबायस्ड होता है, एंड इसमें इनएफिशिएंट यानी बीटा नॉट बीटा 1 ये आपको याद है, आपको ऐसे करते थे आप, yi इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस ui। यदि आपके पास यहाँ पे ऑटोकोरिलेशन है, फिर इसका ये जो बीटा 1 की जो वैल्यू आप देख रहे हैं स्लोप कोएफिशिएंट, ये आपका मतलब एग्जैक्ट एस्टिमेशन इसका पॉसिबल नहीं होता है। इस केस में इनएफिशिएंट हो जाता है, इसका जो एस्टिमेशन है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं बच्चों। ये भी आपके इकोनोमेट्रिक से ही क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल बी एबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनेरिटी, बट विच वन जनरेट अदर प्रॉब्लम। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सब के सब जो है मल्टीकोलिनेरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक सॉल्यूशन कोई ऐसा है जो किसी और प्रॉब्लम को जनरेट कर देता है, वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये सब के सब ए बी सी डी, डी तो नॉन ऑफ द अबव है, कि सब के सब ए बी सी मल्टीकोलिनेरिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन के दौरान एक ऐसा है यहाँ पे जो कोई और प्रॉब्लम को जनरेट करता है, वो है क्या, वो कौन सा प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो जो है, पहले थोड़ा सा मल्टीकोलिनैरिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीकोलिनैरिटी में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ मल्टीकोलिनैरिटी। मल्टीकोलिनैरिटी का मान लेते हैं, आपको याद है आपको वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई प्लस डॉट 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 यू आई। याद है बच्चों आप लोगों को? मल्टीकोलिनियरिटी में, ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, मल्टीकोलिनियरिटी में क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है कि इसमें x1 एंड x2 में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कोवेरिएंस बिटवीन, ये हमारा गॉस मार्कोव थ्योरम का एजम्पशन है, कोवेरिएंस बिटवीन x1i एंड x2i should be equals to 0। ये हमारा गॉस मार्कोव का एजम्पशन है। तब जा करके बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री ये क्या होगा, ब्लू होगा, है ना, तब जाकर के ये ब्लू होगा। लेकिन मल्टीकोलिनैरिटी कब होगा? तो मल्टीकोलिनैरिटी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वन आई एंड एक्स टू आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इन दोनों में किसी न किसी तरह का रिलेशनशिप है। ऐसा हो सकता है कि x1 इज इक्वल्स टू 0.5 ऑफ x2, ऐसा भी हो सकता है। इसको कहते हैं क्या, परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी। ऐसा हो सकता है x1 इज इक्वल्स टू 0.5 ऑफ x2 प्लस UI, या फिर इसको UI मतलब, क्योंकि UI ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, एरर टर्म से कोई और नाम ले लेते हैं इसका, इसका कोई और नाम ईटा, है ना, ऐसा। इस ये क्या है आपके पास, इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी, ये क्या है, परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी। वो अलग केस है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जब हम मल्टीकोलिनैरिटी पढ़ा रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें स्लोप कोफिशिएंट को एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज कि 0/0 आ जाता है। यहाँ पे पॉसिबल होता है, राइट, यहाँ पे पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वेरिएंस बड़ा हो जाता है या वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर आ जाता है, टी टेस्ट एफ टेस्ट इनवैलिड हो जाते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल बड़ा हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको, आपके ये पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये देखिए, क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज डेटा को आप कंबाइन कर सकते हैं, राइट, क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज डेटा को आप कंबाइन कर सकते हैं। एक वेरिएबल को, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से किसी, जो जैसे आपके पास x1 x2 में रिलेशनशिप है, किसी एक को ड्रॉप आउट कर दीजिए, ये भी सॉल्यूशन है। एडिशनल वेरिएबल को आप ऐड कर सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन है। लेकिन ये देखिए, इस वाले केस में ड्रॉपिंग ऑफ वन वेरिएबल, मान लेते हैं आपके पास, अब देखिए फिर से इसको समझा रहा हूं, सपोज कि ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल है, वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस यू आई, है ना। अब मान लेते हैं x1 x2 में कोरिलेशन है, यानी लेट कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज, ये आपके मल्टीकोलिनैरिटी समझ में आ जाएगा, इस मल्टीकोलिनैरिटी हो जाएगी। अब मल्टीकोलिनैरिटी में यदि आपको सॉल्व करना है तो इसमें से इसको आप ड्रॉप कर दीजिए, इसको ड्रॉप कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यदि आपने x2 को ड्रॉप कर दिया तो yi इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1i प्लस ui डैश। अब ये मैंने डैश क्यों लगाया, तो ui डैश जो है, ui डैश जो है कितने बराबर है, बीटा वन x2i प्लस इनिशियल ui के बराबर है। मतलब ये अब ये सबको हमने एक टर्म माना, तब जाकर के एरर टर्म्स हुआ, तब जाकर के ये एरर टर्म्स हुआ। अब आप इसको देख सकते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड, एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसमें, एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड हो जाएगा। यानी एक्चुअली में मॉडल ये है, लेकिन आपने मॉडल बाय मिस्टेक और जानबूझ के आपने ये किया तो एक अलग से प्रॉब्लम आ जाएगी, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लूडेड वेरिएबल बायस्ड। यानी अब ये बीटा वन बीटा टू ये बायस्ड हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। अब ये आपके पास अनबायस्ड नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नंबर 83 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए इसमें Which of the following is not consequence of heteroskedasticity? इसमें से कौन हेट्रोसेडास्टिसिटी का कंसिक्वेंस यानी इम्पैक्ट नहीं है? आपको तो पता होगा हेट्रोसेडास्टिसिटी क्या होता है बच्चों, पता है ना आप लोग कि नहीं पता है? मैं बताया था एक बार आप लोगों को हेट्रोसेडास्टिसिटी, यदि याद नहीं है। हेट्रोस्केडास्टिसिटी में क्या होता है बच्चों, आपको याद है कि हमने गॉस मार्कोव का एग्जाम्पल लिया था, वी हैव एजम्पशन ऑफ गॉस मार्कोव, वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ गॉस मार्कोव, वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ गॉस मार्कोव is क्या था बच्चों, वेरियंस ऑफ एरर टर्म्स, वेरियंस ऑफ एरर टर्म्स इज कांस्टेंट। ये आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं, वेरियंस ऑफ एरर टर्म्स कांस्टेंट का क्या मतलब है। वेरियंस ऑफ एरर टर्म्स कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे कि ये किसी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, आपको बताया गया है। तो इस केस में मतलब यूजुअल एजम्पशन में आपके पास ये होता है, when variance of error terms this is dependent on some of the one or all, ये आप कह सकते हैं डिपेंडेंट ऑन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, देन इट इज द केस ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी, देन इट इज द केस ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी, हेटरोस्केडास्टिसिटी है ना बच्चों। यानी वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स जो है, ये जो है किसी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे x1 x2 x3 किसी पे भी डिपेंडेंट होता है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया हेटरोस्केडास्टिसिटी। अब इसका इम्पैक्ट जानने के लिए, यहाँ संभव नहीं है, इसका आंसर मैं बता दूंगा, आपको मेन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए प्लीज यहाँ ये देखिए, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिक्वेंस ऑफ ऑफ, यहाँ पे ऑफ है, नॉट इफ नहीं है, ये ऑफ है, ऑफ हेटरोस्केडास्टिसिटी। OLS estimator and regression prediction based on them remain unbiased and consistent. OLS estimator are efficient. Test hypothesis, that is t-test, F-test, are no longer valid. ये सब के सब उसके impact हैं, सिर्फ इसके अलावा। The OLS estimator are efficient नहीं, चूंकि एरर टर्म से रिलेटेड है तो ये इनएफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे आई रिपीट अगेन, हेटरोस्केडास्टिसिटी के केस में ओएलएस एस्टिमेटर जो होता है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, ना कि इफिशिएंट। ये आपका आंसर है, ये आपको इनएफिशिएंट होना चाहिए, ना कि इफिशिएंट। आंसर आपका बी। समझ में आया बच्चों आप लोग कि नहीं आया? नहीं समझ में आया आप लोगों को? ऑलराइट, आगे बात करते हैं, समझ में थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 84, ये भी आपके ये मनी डिमांड से है शायद। देखिए क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम सेल एंड परचेज and it may be used in M। ये तो हो गया है, मुझे लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके पहले मैं एक बार आप लोगों को करा चुका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आगे बात करते हैं, ये एक्चुअली आप देख सकते हैं इसका मनी डिमांड है एक्चुअली, है ना? इसका आंसर मनी डिमांड है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इसको देखिए आप लोग। Outward open market operation by central bank will shift LM to the right, left and make it steeper। क्या होगा बच्चों ये? पहली बात तो आपको ये बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है सेंट्रल बैंक का, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स in order to control the money supply, sell and purchase of government securities, है ना बच्चों? सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। अब यहाँ पे केस आता है कि आउटवर्ड ओपन मार्केट मतलब गवर्नमेंट आरबीआई जो है बॉन्ड सेल करती है, सो यहां पे सेल करेगी व्हेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड, व्हेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर सोल्ड, देन क्या होगा? पब्लिक के पास अब कागज का टुकड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ, या इंस्टेड ऑफ कैश। उनके पास कैश ना हो करके अब कागज का टुकड़ा होगा, तो सोल्ड मनी सप्लाई क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो एलएम आपका कहाँ जाता है? एलएम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। यदि आप लोगों को याद हो, इसी सीरीज में मैंने कई बार आप लोगों को एलएम के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये आपका एलएम कर्व है बच्चों, एलएम विद एम नॉट बाय पी नॉट। यहाँ पे आपका इनकम होता है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? इसी सीरीज में मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है, इसी सीरीज में, ठीक है? अब इसको आप देख सकते हैं, याद होगा आपको कि एलएम का जो इक्वेशन था आर इज इक्वल्स टू के वाई माइनस एम बार ओवर एच। चूंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बॉन्ड सेल हो रहा है तो मनी सप्लाई घट रहा है, मनी सप्लाई घटेगा तो ये निगेटिव आइटम है, तो एलएम कहाँ जाएगा? लेफ्ट की तरफ से। एलएम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? एलएम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है बच्चों? LM1 with M1 P0 मतलब मनी सप्लाई आपकी क्या हुई है, तो एलएम लेफ्ट की तरफ से है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए प्लीज। मुझे लगा कि माइक्रोफोन बंद हो गया इसलिए देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 86 आपके इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है बच्चों। ये आपके इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। एफआरबीएम फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम जो 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका टारगेट इसमें से कौन नहीं है, उसका एक्सेप्ट, ये बोले ना हैड द फॉलोइंग टारगेट एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा सारा टारगेट है, उसमें से कोई एक नहीं है, आप मुझे बताइए। दैट इज इसका था, ये था आपके पास बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट 3% से घटाना, एंड द रेवेन्यू डेफिसिट 5.5% एवरी ईयर घटाना, एम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस बाय 2%, नहीं ये एम्प्लॉयमेंट रेट वाला कंसेप्ट नहीं है, तो आपका आंसर यही होगा आंसर, राइट। एफआरबीएम का ऑब्जेक्टिव यही दोनों है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है एफआरबीएम, ठीक है बच्चों, आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, इसको देखिए। इसमें आप लोग, इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों। व्हेन डेफिसिट ऑफ द बजट, मतलब बजट का घाटा, यदि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से पूरा किया जाता है, यानी आपको पता है बच्चों ये चीज कि यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट रेवेन्यू से, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा है पब्लिक रेवेन्यू से, तो ये क्या होगा, इसमें आपके पास क्या आएगा, डेफिसिट आएगा यानी घाटा आएगा। इस घाटे को आपके पास दो तरीका है, या तो कहीं से लोन लीजिए, कर्जा लीजिए, या फिर आपको टैक्स बढ़ाइए, या फिर आप क्या करें, करेंसी प्रिंट कीजिए। तो यदि करेंसी प्रिंट करके किया जाता है, इस घाटे को पूरा यदि आप करेंसी प्रिंट करके करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे आप मोनेटाइजिंग डेफिसिट कहते हैं, मोनेटाइजिंग डेफिसिट कहते हैं बच्चों, ठीक है, मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, मोनेटाइजिंग ऑफ डेफिसिट इसको कहेंगे, ठीक है। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पे मैं एक और बात आपको बताता हूं, यदि ये ऑप्शन आपके पास नहीं होता तब कौन सा है, मोनेटाइजेशन, ये भी ऑप्शन होगा यदि ये ऑप्शन नहीं है तो। और यदि आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने कोड में आपको आंसर करना है, तो बी एंड सी दोनों। क्लियर है, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे। वाई या विच टाइप ऑफ बजट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग में आप इंडिया में तो वही है, जेंडर बजटिंग में आप फीमेल पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बजट बनाए। जब फीमेल पॉपुलेशन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्स को लेकर के बजट बनाया जाए कि उसको प्रमोट करना है या उसकी इनकम बढ़ाना है, तो उस केस में उससे आप जेंडर बजटिंग कहते हैं बच्चों। आंसर आपका ये है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है पता है आपको? जीरो बेस्ड बजटिंग में एवरी टाइम जब बजट बनता है तो पिछले साल का कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, यानी पिछले साल का कुछ काम रह गया, नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीरो बेस्ड बजटिंग में हमेशा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाता है, बिल्कुल नया चीज स्टार्ट किया जाता है, पिछला कुछ भी लेकर के नहीं किया जाता, सब कुछ जीरो पे उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जीरो बेस। आप आउटकम बजट में हर प्रोजेक्ट का जहां भी पैसा खर्च किया जाता है उसका रिजल्ट देखा जाता है, परफॉर्मेंस बजट भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे देखें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, देखिए। Fisherian approach emphasizes dash function of money, whereas Cambridge approach stresses that function of money। ये बिल्कुल रटाफिकेशन वाला केस है, इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। फिशर्स है यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिमांड की बात करते हैं या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। आप क्या कहेंगे बच्चों? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। एंड ये कहेंगे आपके पास कौन सा, कैम्ब्रिज वाले क्या बोलते हैं, स्टोर वैल्यू। स्टोर वैल्यू की बात, तो यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आपका आंसर ए हुआ है। इसमें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं। यानी आपको याद होगा हमने डिमांड फॉर मनी में, आपके पास तीन, हालांकि इसी सीरीज में मैंने बताया भी है कि पब्लिक डिमांड, इकोनॉमिक एजेंट, डिमांड मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, याद हो आप लोगों को, या फिर मीडियम एक्सचेंज को कह सकते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस, ट्रांजैक्शन के लिए, कंटिंजेंसी के लिए, एंड स्पेकुलेटिव के लिए। याद है आप लोगों को स्पेकुलेटिव के लिए? इसको कीन साहब ने दिया, उसके पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दिया था इसको, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देखिए प्लीज। ये इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है। Consider the following statement. The main aim was to move India from non-tax compliant society to a tax compliant society. मतलब बहुत से लोग यहाँ पे इंडिया में टैक्स नहीं देते थे, अब उनको टैक्स ब्रैकेट में लाना इनका एम था। It was introduced by PM of India, ठीक है, and it was aimed at digitalize India. ये कौन सा स्कीम था? क्या ये मेक इन इंडिया स्कीम था, क्या ये डिजिटलाइज्ड इंडिया था, क्या मोनेटाइजेशन था या फिर डीमोनेटाइजेशन? क्या था? ऑब्वियसली ये डीमोनेटाइजेशन था। डीमोनेटाइजेशन में आपको याद होगा 8 नवंबर, याद होगा बच्चों आप लोगों को, 8 नवंबर 2016 को 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट को उसमें लीगल टेंडर वापस ले लिया गया था। मतलब अब ये सिर्फ एंड सिर्फ कागज के टुकड़े के बराबर था। इसमें फिर से जब लोग वो करेंगे तो इसमें आप लोगों को याद होगा कि अब से जो पैसा निकलेगा आपके पास, आपने देखा था उसके बाद गूगल पे, फोन पे, इस तरह के बहुत सारी चीजें आप प्रचलित में आ गई और ये आपको डिजिटलाइज हो गया इस तरीके से। यानी आप, सरकार को पता है कि कौन कितना इनकम कमाता है। तो इसका मेन मकसद था क्या आपके पास, ये सारी चीजें कि जो लोग टैक्स नहीं देते थे और टैक्स के लिए एलिजिबल थे उनको टैक्स ब्रैकेट में लाना, दो जो लोग क्या कहते हैं, और ये इंडिया ने पीएम ने इंट्रोड्यूस किया था 8 नवंबर 2016 को, और इसका मेन मकसद था डिजिटलाइज करना। ठीक है बच्चों, ये था डिमोनेटाइजेशन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कैपिटल डीपनिंग। देख रहे हैं बच्चों, कैपिटल डीपनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कैपिटल डीपनिंग क्या होता है। कैपिटल डीपनिंग इन सोलो ग्रोथ मॉडल में लीड टू। कैपिटल डीपनिंग एक कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये देखिए कैपिटल डीपनिंग, पहला है आपके पास क्या, कैपिटल डीपनिंग। कैपिटल डीपनिंग यानी पर वर्कर एवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ना, यानी कैपिटल टू लेबर रेशियो बढ़ना, कैपिटल वो कहते हैं, कैपिटल डीपनिंग कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें सोलो ग्रोथ मॉडल में क्या होगा? यदि पर वर्कर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, बच्चों? ये देखिए, हालांकि इस डायग्राम की यहाँ पे जरूरत है नहीं, ये देख रहे हैं, इट इज वाई इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, क्या रिडक्शन इन कैपिटल टू लेबर रेशियो, रिडक्शन इन लेबर टू कैपिटल रेशियो, इंक्रीज इन सब्सिस्टेंस वेज। क्या होगा इस केस में? ये इसमें आपको याद होगा, इस पे आप क्या लेते थे, इसमें आप लेते थे कैपिटल टू लेबर रेशियो, और जब ये बढ़ेगा, ये देखिए, जब ये बढ़ेगा तो क्या घटेगा, कैपिटल टू लेबर रेशियो या फिर लेबर टू कैपिटल। ये देखिए आपके पास, यहाँ देखिए, यदि आप इसको इस तरीके से करते हैं, कैपिटल टू लेबर बताते हैं आप इसको, कैपिटल टू लेबर रेशियो की बात करते हैं आप इस केस में, कैपिटल टू लेबर रेशियो की बात करते हैं यहाँ पे, लेबर टू कैपिटल की बात करेंगे। यदि ये बढ़ेगा तो लेबर टू कैपिटल रेशियो घटेगा, ये क्या होगा बच्चों? यदि कैपिटल यानी डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फिर लेबर टू कैपिटल रेशियो घटेगा, ना बच्चों कि नहीं? ये देखिए लेबर टू कैपिटल रेशियो, कैपिटल देखिए यहां से आ रहा है, कैपिटल डीपनिंग यानी कैपिटल बढ़ रहा है। यदि आपके पास ये देखिए के रेस्ट टू एल है, ये बराबर है मान लेते हैं, उस केस में आपके पास कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल टू लेबर रेशियो घटेगा ना, लेबर टू कैपिटल रेशियो घटेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ये। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, इसको देखिए। लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट वाज गिवन बाय, ये तो आपको जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, केनेथ एरो ने दिया था। एंड केनेथ एरो ने ये जो बात कही थी बच्चों, उसमें मैं थोड़ा सा और आगे, इसमें केनेथ एरो साहब को मेरी बस की बात नहीं है रिसर्च में, बट आप जिस तरीके से यूजीसी में क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करें। लर्निंग बाय डूइंग ये किस तरह का एक इम्बोडिड एंड डिसइम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस होता है? याद है आप लोगों को इम्बोडिड में क्या होता है बच्चों? इम्बोडिड टेक्निकल प्रोग्रेस में एक बार मशीन बन जाने के बाद, एम्बोडेड टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है, क्योंकि एक बार यहां पे मशीन बन जाने के अब इसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो सकता है, इसमें नया टेक्नोलॉजी इंसर्ट नहीं कर सकते आप, नया टेक्नोलॉजी नहीं डाल सकते। मतलब ये जो मशीन बना है इस समय के अवेलेबल, जैसे सपोज कि आज मशीन बनता है तो इस समय के अवेलेबल जितनी टेक्निक है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन आज के बाद जो टेक्निक का डेवलपमेंट होगा इसमें नहीं आएगा। तो इसमें इम्बॉडीड टेक्नोलॉजिकल चेंज ये बताता है कि अब यदि आपको डेवलपमेंट करना है, अब यदि आपको प्रोग्रेस करना है तो टेक्नोलॉजी ये तो फिक्स हो गई यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी फिक्स हो गई यहाँ पे। अब आपको लेबर का इफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, यानी ह्यूमन कैपिटल की इफिशिएंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए कैनेथ एरो साहब ने कहा कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है बच्चों, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे है बच्चों, इसको देखिए प्लीज। In famous Edgeworth box diagram, what is the trade zone? Trade zone क्या होता है बच्चों? Edgeworth box diagram में trade zone क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपका जो Edgeworth box है वो क्या होता है। Edgeworth box diagram, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, ठीक है बच्चों, ये देखिए प्लीज। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एक्स एंड वाई जो अवेलेबल होता है वो रखा जाता है और ये जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है बच्चों कि टोटल अवेलेबल एक्स एंड वाई में से यहाँ पे एक्स रखते हैं बच्चों, यहाँ पे वाई रखते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपसे बात करूं तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए विद यूटिलिटी यू बार नॉट, ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए विद यूटिलिटी यू वन बार और ये आपका इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए with U2, right? अब आप ये देखिए, दूसरी तरफ देखिए, मतलब ये ऐसे यदि ये मूव कर रहा है तो A का यहाँ पे X नहीं है बच्चों, थोड़ा सा गलती से हो गया, ये X नहीं है, ये A एंड B दो कंज्यूमर है, A एंड B दो कंज्यूमर है। इस तरफ मूव कर रहा है तो A का यूटिलिटी बढ़ रहा है और ये देखिए ये इंडिफरेंस कर्व ऑफ बी है, दिस इज आई सी बी नॉट, दिस इज आई सी बी वन एंड दिस इज आई सी बी टू। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहां ये वाला एरिया देखिए, एरिया बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि ये ट्रेड की अभी भी पॉसिबिलिटी है, यानी बी जो है और हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है मैक्सिमम यहाँ पे बिना ए को पीछे किए। सिमिलरली ये भी बताता है कि ए भी हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकता है बिना बी को पीछे किए हुए। तो ये वाला जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं बच्चों, इसे आप ट्रेड जोन कहते हैं, यानी एरिया बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व इज ट्रेड जोन। यहाँ पे मैं फाइनल यहाँ पे बनाया था, एरिया बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व इज ट्रेड जोन, एरिया बिटवीन टू इंडिफरेंस कर्व इज ट्रेड जोन। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए, राइट, and this is indifference curve of B। ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, इसमें वो मूव कर सकते हैं एक जगह से, एक बेटर ऑफ हो सकता है या फिर दोनों बेटर ऑफ हो सकते हैं या फिर दूसरा बेटर ऑफ हो सकता है, पहला वो निकला। इसे आप ट्रेड जोन कहते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड ट्रेड जोन। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पे है और इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। दिस क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड, मतलब इसमें किसने कौन सा थ्योरी दिया। तो आप देख सकते हैं प्योर मॉनेटरी थ्योरी हॉटरे ने दिया, मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी शुम्पीटर हॉक्स ने दिया, इनोवेशन शुम्पीटर ने दिया, कीन्स की थ्योरी कीन्स ने दी, सैमुअल्सन की थ्योरी किसने दिया, मॉडल ऑफ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर इंटरेक्शन एंड हिक्स की थ्योरी हिक्स ने दी। इसका आंसर है आपके पास यहाँ पे, इसमें कुछ और खास बताने की, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है बच्चों, इसको देखें प्लीज, देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बिलीव दैट फ्लक्चुएशन इन आउटपुट प्राइस अनएम्प्लॉयमेंट आर द रिजल्ट ऑफ मनी सप्लाई। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मॉनेटरी प्योर मॉनेटरी थ्योरी बताता है कि फ्लक्चुएशन यानी बिजनेस साइकिल इज अ रिजल्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। इसमें और कुछ मुझे नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम फ्लेवर में एक और क्वेश्चन, ये देखिए प्लीज। इफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम मेक इकोनॉमी मोर फ्लक्चुएटिंग इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन मनी सप्लाई, किसने कहा। यानी यदि बैंकिंग सिस्टम आपका ज्यादा एफिशिएंट होगा तो थोड़ा सा भी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वो आप क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन ज्यादा आएगा। वो किसने कहा, हॉटरे ने, एंड इसे आप प्योर मॉनेटरी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट Ninety-seven. Which of the following theory believe that fluctuation in output, price, unemployment are the result of difference between actual investment and desired investment? ये था आपके पास monetary over investment theory, ये आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ। 98 देखें please. Which of the following theory believe that the fluctuation in output, same question, वो innovation पे depend करता है। आप जानते हैं शुम्पीटर ने बोला था कि आप बिजनेस साइकिल जो आपके पास अप्स एंड डाउन आते हैं, बूम रिसेशन या आपके पास डिप्रेशन जो आता है वो इनोवेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 98 हो गया बच्चों। 99 क्वेश्चन है, सेम चीज। Which of the following theory believe that fluctuation in output, price, the money supply? Same question हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, बट स्टिल प्योर मॉनेटरी थ्योरी। एंड इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन बच्चों। पहला सेट पूरा हुआ, सुपर मल्टीप्लायर इज द ओनली कॉज दैट लीड टू इकोनॉमी टू डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, किसने बोला, सैमुअल्सन ने। सुपर मल्टीप्लायर यानी एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर का इंटरेक्शन ही इकोनॉमी को फ्लक्चुएशन यानी बिजनेस साइकिल को जन्म देता है। बच्चों इस तरीके से इन 6 वीडियोज में हमने आपको 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट दूसरा सेक्शन में लेकर के आऊंगा, मतलब लाइव क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 2। हमने आपको जिससे प्रॉमिस किया था 300 क्वेश्चन, 300 से 400 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट 100 पे हम बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।